हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए मैं कहूँगा बजट बजट यानी कि 2019 का जो फाइनल बजट है, कल 5 जुलाई 2019 को आने वाला है। निर्मला सीतारमण जो कि फाइनेंस मिनिस्टर है, ये बजट अनाउंस करेंगी। तो इन तीन स्टॉक्स पर नज़र रखना, मैं कहूँगा जो हलचल है ना, हलचल वो ऑलरेडी दिखाई दे रही है इन शेयर्स में। पिछले 2 हफ्तों से ये हलचल स्टार्ट हो गई है। मैंने पहले भी इन तीन स्टॉक्स के वीडियो बनाए थे कि बजट के लिए कहा, तब इनका प्राइस थोड़ा कम था, लेकिन पिछले 1 हफ्ते में बढ़िया तरीके से इसमें प्राइस में जंप आ चुका है। और कल का दिन बहुत खास है इन तीन स्टॉक्स के लिए, तो नज़र बनाए रखना। एक एक करके स्टॉक्स को बताता हूँ आपको। तो देखिए मैं स्टार्ट करता हूँ PNB यानी कि पंजाब नेशनल बैंक से। अब आप देखिए, जब मैंने लास्ट टाइम इसका वीडियो बनाया था तो ऑलमोस्ट क्रॉसओवर आने को था इस शेयर में, और ये शेयर ये मान के चले कि आप 77 के लेवल पे चल रहा था तब। तो जिसने भी इसमें से एंट्री ली होगी 77 के लेवल पे, ऑलरेडी ये 6-7% वो रिटर्न उसको मिल चुका होगा। ये दूसरा हफ्ता है, देखिए इनडिसीजन आने के बाद बढ़िया तरीके से जंप कर रहा है, नो डाउट, ये आपको क्लियरली देखने को मिला होगा। और अगर आप RSI को फॉलो करते हैं, देखिए RSI पहले ही हाई बना चुका है, बुल जोन में आ चुका है, और अब यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है 42 के आसपास सपोर्ट लिया है, और एक बढ़िया एंट्री का मौका जरूर दिया था। अभी भी कल बजट में आप देखना, कुछ ऐसा अगर अनाउंसमेंट होता है तो ये शेयर का टारगेट, ये मान के चलिए आप 100, सीधे 100 का टारगेट जाएगा यहां पे, अगर कुछ भी यहां पे बजट में अनाउंस होता है, और वो होना भी है। अब दूसरा शेयर जो है वो है बैंक ऑफ बड़ौदा, दूसरा शेयर। अब इस शेयर में भी बिल्कुल सही टाइम पे हलचल देखने को मिली थी, पिछला वीक यानी कि 20 जून के बाद ये हलचल देखने को मिली थी। इनडिसीजन जरूर आया था, क्रॉसओवर देखने को मिला था, और बढ़िया मैं कहूँगा 119 20 22 के 122 के लेवल पे भी एंट्री का जरूर मौका दिख रहा था। और ये स्टॉक भी बुल जोन में आया है, देखिए 60 के RSI को पार करके फिर नीचे करेक्शन की तरफ आया है, और ये तो भाई बहुत ही बढ़िया। इस स्टॉक ने इतना रिटर्न दिया, इतना रिटर्न दिया, मान के चलिए 90 रुपये से ऑलमोस्ट 140 रुपये तक गया था पिछले 6 से 8 महीनों में। ये मान के चलिए स्टॉक ने 50% से ऊपर का रिटर्न दिया, 50%, मोर देन 50%। और ये आप खुद देखिए, बहुत बढ़िया स्मूथ चार्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब ये रैली का इंतजार कीजिए, और सीधे मैं कहूँगा 150 का लेवल का अपना टारगेट सेट कर दीजिए शेयर में। 20 रुपया ऑलरेडी, 10 रुपया जंप कर चुका है, 20 से 25 रुपये और जंप इसमें हो सकता है अगली करेक्शन से पहले। अब चलते हैं तीसरे स्टॉक की तरफ। तीसरा स्टॉक हमारे पास जो है वो है बैंक ऑफ इंडिया। इस शेयर में भी जो इंडिसीजन आया था, अगर आप यहाँ पे क्लियरली देखें, क्रॉसओवर आ चुका है, बिल्कुल क्रॉसओवर आ चुका है, और RSI भी एक टाइम पे 60 को टच करके बहुत बढ़िया तरीके से इसमें कई बार देखिए बिल्कुल नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर जंप आया। अब देखिए अच्छा खासा जंप इसमें आने को है इस शेयर में भी। और ये जो एंट्री पॉइंट यहाँ पे 80-85 के लेवल पे, तो बहुत बढ़िया एंट्री पॉइंट था, नो डाउट मैं कहूँगा। अब ये कल बजट के लिए तीन शेयर जो बताए हमने आपको, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और बैंक ऑफ इंडिया, खास नज़र बनाए रखना। लेकिन अगर और जो PSU बैंक है उनमें भी आपको ज़बरदस्त उछाल देखने को मिल सकता है, क्योंकि उम्मीद है इस बजट में PSU बैंक्स के लिए कुछ स्पेशल होने वाला है। तो चलिए वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, और तब तक आप इन स्टॉक्स पे नज़र बनाए रखें, इनको टेक्निकली एनालाइज कर लीजिए। फंडामेंटली तो आपको वीक लगेंगे, क्योंकि PSU में ज़बरदस्त घाटा देखने को मिला था, इसलिए वीक लगेंगे फंडामेंटली। लेकिन टेक्निकल लेवल पे एंट्रीज और बजट में स्पेशल होगा, तो ये शेयर वो शेयर है जो 50-50% तक एक दिन में रिटर्न दे सकते हैं। ऐसा होता है, लास्ट टाइम पे आपने देखा होगा रिकैपिटलाइजेशन के न्यूज़ में 50-50% तक अभी जंप गया था। वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।